हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है प्रज्वल। आप देख रहे हो माई अनबॉक्स। स्वागत है आपका एक बार मेरे इस नई वीडियो में। यहाँ पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पर टिकटॉक से रिलेटेड। आपको पता है दोस्तों, जब भी टिकटॉक यहाँ पर मतलब एक न्यूज़ में आया हुआ है तो हमेशा दोस्तों यहाँ पर टिकटॉक हमेशा कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ लेकर ही हमेशा यहाँ पर न्यूज़ में आता है, हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही लेकर यहाँ पर न्यूज़ में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों टिकटॉक से रिलेटेड एक और बुरी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो आप, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक करते हुए, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि जब भी दोस्तों यहाँ पर हम कुछ भी एप्लीकेशन यहाँ पर, चाहे वो प्ले स्टोर से हो चाहे वो एप्पल स्टोर से हो, यहाँ पर दोस्तों अपने फ़ोन में जब इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों उन सभी एप्लीकेशन की यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइवेसी पॉलिसी होती है, जो कि दोस्तों यहाँ पर जब हम उनकी उन प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करते हैं तभी हम वो ऐप या उनकी सर्विस को हम यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जब भी यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन हमें गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर लिस्ट करना होता है तो भी हमें यहाँ पर गूगल और एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसी को मानना होता है, तभी हम यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर लिस्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक रिपोर्ट निकल कर आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि टिकटॉक ने दोस्तों यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर की जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है उसको यहाँ पर दोस्तों वॉयलेट किया है। मैं आपको बताऊँ ये दोस्तों यहाँ पर कैसे वॉयलेट किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों टिकटॉक ने लगभग 15 महीनों से यहाँ पर दोस्तों जो भी एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उनके दोस्तों यहाँ पर मैक एड्रेस को चुराया है। मैक एड्रेस दोस्तों क्या होता है? मैक एड्रेस होता है दोस्तों यहाँ पर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पर ये जो मैक एड्रेस होता है दोस्तों, इसका यूज़ बेसिकली पर्सनलाइज एड्स के लिए किया जाता है। यानी कि आपने अपने फ़ोन में क्या चीज़ को लेकर यहाँ पर सर्च किया है, क्या चीज़ आपने यहाँ पर आपको पसंद है कि आप सर्च करते हो, तो बेसिकली आपको बहुत सारे ऐप में या साइट्स में जब आप विज़िट करते हो तो वहाँ पर आपको उसी तरीके की यहाँ पर पर्सनलाइज एड्स दिखाई जाती है। और ये हर डिवाइस की दोस्तों यहाँ पर अलग अलग होती है, तो यहाँ पर बेसिकली ये मैक एड्रेस इसीलिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 2015 से पहले दोस्तों क्या था कि गूगल यहाँ पर इसको अलाउ करता था कि आप यहाँ पर मतलब मैक एड्रेस को ले सकते हो एडवर्टीजमेंट को लेकर। लेकिन दोस्तों 2015 से दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है कि गूगल ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में यहाँ पर दोस्तों चेंजेस किए हैं, जिसको लेकर दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया कि 2015 के बाद जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर प्ले स्टोर पर लिस्ट किए जाएंगे वो दोस्तों यहाँ पर किसी भी एंड्रॉयड यूज़र के किसी भी तरीके के पर्सनलाइज डाटा को नहीं ले सकते, नहीं चुरा सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों वो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को वॉयलेट करते हैं, जिसको लेकर दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया में ये जो है बैन कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मतलब पिछले लास्ट अपडेट जो मतलब नवंबर में अपडेट रिलीज़ किया गया था टिकटॉक का यहाँ पर, वो उसको उसके बाद दोस्तों ये जो भी यहाँ पर मतलब चोरी की जा रही थी यहाँ पर मैक एड्रेस की, उसको दोस्तों फिक्स कर दिया गया। लेकिन लगभग 15 महीने तक यहाँ पर टिकटॉक ने यहाँ पर मैक एड्रेस को चुराया था। तो बेसिकली दोस्तों शायद इसी को देखते हुए इंडिया में जो है टिकटॉक बैन किया गया। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सॉवरनिटी और इंटीग्रिटी को भी देखते हुए यहाँ पर बैन किया गया था टिकटॉक को इंडिया में। लगभग यहाँ पर 1.5 मंथ हो चुके हैं, मतलब 1.5 से 2 महीने यहाँ पर हो चुके हैं टिकटॉक को इंडिया में बैन हुए। साथ में 59 और अदर चाइनीज़ एप्लीकेशन को भी बैन किया गया था। तो अभी दोस्तों यहाँ पर इसी को देखते हुए मतलब जो अमेरिका है वो भी दोस्तों यहाँ पर तैयारी कर रहा है टिकटॉक को बैन करने को लेकर, जहाँ पर आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ये भी कह दिया है कि अगर 45 डेज़ के अंदर यहाँ पर टिकटॉक जो भी है, अगर यहाँ पर कोई भी अमेरिकन कंपनी अगर इसको नहीं खरीदती है तो यहाँ पर जो टिकटॉक है वो भी US यानी अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर सभी जो भी कंट्री हैं यहाँ पर दोस्तों उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को ख़तरा हो रहा है इन चाइनीज़ एप्लीकेशन से, वो टिकटॉक हो चाहे वी चैट हो। उसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर टिकटॉक और वी चैट इन सभी चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो भी एप्लीकेशन है हमेशा दोस्तों यहाँ पर किसी न किसी तरीके के यहाँ पर चाहे गलत काम को ही ये बढ़ावा देकर ही हमेशा यहाँ पर दोस्तों न्यूज़ में आते हैं, चाहे वो वीडियोज़ के थ्रू दोस्तों यहाँ पर जब इंडिया में था तो बहुत सारी वॉयलेशन बहुत सारी क्राइम को प्रमोट करना हो गया, चाहे वो दोस्तों किसी भी यूज़र्स के यहाँ पर पर्सनलाइज डाटा को चुराना हो गया, किसी भी मतलब गूगल एप्पल ऐप स्टोर की यहाँ पर दोस्तों प्राइवेसी को वॉयलेट करना हो गया। तो मतलब हमेशा टिकटॉक ऐसा ही करता आया, मतलब टिकटॉक कुछ भी कर ले कभी भी दोस्तों यहाँ पर कोई भी सही काम टिकटॉक नहीं कर सकता है। और शायद इसी वजह से यहाँ पर इंडिया में
और अभी दोस्तों यहाँ पर आपको सुना होगा कि अमेरिका भी यहाँ पर टिकटॉक को बैन करने वाला है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर टिकटॉक कब सुधरेगा, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। यही लेकर दोस्तों यहाँ पर एक और खबर निकल कर आ रही है जो कि दोस्तों यहाँ पर शायद जो इंडियन है उनके लिए एक बुरी खबर हो सकती है। वो है दोस्तों यहाँ पर कि टिकटॉक इंडिया में वापसी करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मतलब पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया यहाँ पर जो टिकटॉक के लिए मतलब मिलियंस करोड़ों यूज़र्स हैं, बहुत बड़ा हब है इंडिया यहाँ पर टिकटॉक के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है टेक क्रंच की तरफ से, जहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर दोस्तों टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर लास्ट मंथ रिलायंस से बात की है, जहाँ पर दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि अगर रिलायंस यहाँ पर टिकटॉक में इन्वेस्ट करता है या यहाँ पर दोस्तों जो है रिलायंस यहाँ पर टिकटॉक को ख़रीद लेता है कम्प्लीटली, तो हो सकता हो दोस्तों यहाँ पर टिकटॉक इंडिया में वापसी कर सकता है। हालांकि दोस्तों फ़िलहाल के तौर पर ये इंडिया में बैन है, पर अगर यहाँ पर दोस्तों रिलायंस इन्वेस्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि रिलायंस इंडिया में एक बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा मार्केट है, अगर दोस्तों यहाँ पर रिलायंस इन्वेस्ट कर देता है तो फिर हो सकता हो दोस्तों यहाँ पर जो टिकटॉक है वो इंडिया में वापसी कर सकता है। तो मतलब अगर दोस्तों यहाँ पर टिकटॉक वापस आता है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरी बात होगी दोस्तों यहाँ पर। लेकिन अगर दोस्तों कम्प्लीटली यहाँ पर जो टिकटॉक है वो इंडिया का ही हो जाता है, अगर रिलायंस उसको कम्प्लीटली परचेस कर लेता है, तो यहाँ पर आप सब एक बार सोच सकते हो इसको लेकर। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर कुछ परसेंट यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, कुछ परसेंट यहाँ पर ख़रीदता है टिकटॉक या रिलायंस को, तो मतलब फिर यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं है, टिकटॉक वापस इंडिया में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी क्राइम, बहुत सारी वायलेशन को प्रमोट करता है। तो बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर कुछ भी ना ही रिलायंस ने, ना ही दोस्तों यहाँ पर बाइट डांस ने और ना ही यहाँ पर टिकटॉक ने कुछ भी इससे रिलेटेड कहा है कि यहाँ पर हमारी कुछ बातें हुई हैं, यहाँ पर रिलायंस इन्वेस्ट करना है, करने वाला है। तो अभी दोस्तों इसको लेकर अभी कुछ कन्फर्म रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर टिकटॉक वापस आता है तो फिर सोच के देखिए कि ये किस नाम से वापस आता है, क्या यहाँ पर जो टिकटॉक का नाम होगा वो बदल जाएगा, क्या आप चाहते हो कि यहाँ पर वाकई में टिकटॉक इंडिया में वापसी करे, वापस आए, तो आप इसको लेकर क्या सोचते हो, अगर आता है तो क्या आप इसको यूज़ करोगे, तो आप मुझे इसको लेकर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही कमाल की वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।